हेलो दोस्तों, आदि बोलो। हेलो दोस्तों, बोलो क्या चाहिए। आदि इधर देखो। आदि आदि कैसा है अब? ठीक है ना आदि? अब ठीक है ना आदि? तो अभी दोस्तों टाइम हो रहा है, लगभग सुबह के बज रहे हैं 11, और मैंने आदविक को नहला दिया है। तो ये देखो, आदविक नहा धोकर बिल्कुल रेडी हो गया है, और आदि के बाल बिल्कुल जैसे मैगी नहीं होती है, मैगी जैसे बाल है इसके। इसके बाल भी मुझे बहुत गंदे लगते हैं आदि। छुट्टियाँ भी मनाओ ना तो पूरे निकल जाते हैं बस। तो आज ना धूप काफ़ी तेज़ हो रही है, तो इसलिए आदविक को ना अंदर ही रखेंगे, ज़्यादा धूप में नहीं रखेंगे। चलो आगे, बुआ आ गई, आगे बुआ। तो मेरे ना धूप तेज़ है, तो इसलिए मैंने गद्दे वगैरह ना सारे बाहर डाले हुए हैं, और आदि ना इनके अंदर घुस रहा है छुपने के लिए। यहाँ घुसो, लो आ जाओ आदि, यहाँ से घुस, जल्दी आ, इधर आ, यहाँ। दा कहाँ है? दादी, दादी नहीं बोलेगा, दो दा बोलेगा, दा दा। आदि बाय बाय। तो अब आदि रहेगा अपनी बुआ के साथ में, क्योंकि गुड्डी आ गई है आदि के साथ, है ना। कहाँ है बुआ? बुआ कहाँ गई? ये नहीं, बुआ इधर है गुड्डी। और अब गुड्डी ना अद्दू का ध्यान रखेगी, और तब तक मैं घर के काम वगैरह निपटाती हूँ। तो ये देखो, आदि ने मेरी बिंदी कहाँ लगाई हुई है, यहाँ। बार बार ना मेरी बिंदी निकाल देता है, और फिर खाने के लिए करता है बिंदी को। तो उससे पहले मैं चलूँगी पानी लगाने के लिए अपना। नहीं, यहाँ पे बुआ है, जरा पाइप नहीं लग रहा, तो मुझे आवाज़ मार रही थी कि पाइप लगा दे। लग गए, लग। तो ये रही हमारी फूफू, और यहाँ पे ना क्या कर रहे हैं, गेहूं के बीच में से जो खरपतवार है ना उसको निकाल रहे हैं। ये रही फूफू। आजकल जो है फूफू का स्वास्थ्य ना ठीक नहीं है, फूफू बोलते हैं हमारे यहाँ बुआ को। तो इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं, हाथ पाँव में दर्द, जोड़ों जोड़ों में दर्द हो रहा है। दवे कराबो ना, इलाज कराबो ना। तुम लोग जान को राज में तुम लोग की नकली जिंद बोले गया बीमारी है। हाँ, तो बुआ कह रही मेरे इलाज बताओ मुझे, क्या बीमारी है। तो बुआ का पाइप लगा देती हूँ मैं, खाऊ पाइप। पानी तो ठीक है ना उन्हें। अभी दोस्तों मैं आ गई हूँ अपने सगोड़े में, और दिन के लंच के लिए मैं निकालूंगी यहाँ से पालक। और पालक ना हमारा ना इसमें बाल भी आ गई है देखो, तो ये निकालना भी जरूरी है। दोस्तों आज दिन के लंच के लिए मैंने इतना पालक निकाल लिया है, और हम ना घर में बस मैं, मम्मी और गुड्डी और आदि गया बस, तो इतना काफ़ी है हमारे लिए। और यहाँ पे देखो ये गोभी कितनी बड़ी हो गई है, और इसमें यहाँ पे भी फूल आया है, और नीचे से भी आ रहे हैं इसमें फूल, देखो। तो दोस्तों आज इतनी तेज़ धूप है ना, तो इसलिए जो है ना चंदू को, भैंस को और सिम्बा को हमने ना छाए में बांध दिया है, और अभी मैंने इनके पास ना हरी पत्ती वाली घास डाल दी है, तो ये आराम से मजे से खा रहे हैं। और सिम्बा देखो अपनी मम्मी के साथ यहाँ पे घास चुनने में लगा हुआ है, अभी बड़ा हो गया है तो घास भी खाने लग गया है ना सिम्बा, और अपनी मम्मी की पूँछ भी खाता है ये पूँछ। तो दोस्तों दिन के 12 बजे से मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, तो मैंने नहा लिया है, बाकी है अभी लंच बनाने के लिए रह गया है, तो लंच बनाना है। उसके लिए मैंने साग तो पहले ही निकाल लिया था, पालक का आपने देखा इससे पहले, और आदवी को भी मैंने नहला लिया था। तो कल रात को ना मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो गया था, फिर दवाई वगैरह लेकर के फिर मॉर्निंग में थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, लेकिन अभी भी जो है ना गले में दर्द और आवाज़ इतनी भारी भारी सी हो रही है, जैसे जुकाम सर दर्द ये चीज़ें ना बस लगी हुई है। लेकिन ना आप सब कमेंट कर रहे थे कि आप ऐसे जब आपको खांसी जुकाम हो रहा है तो आप नहाए क्यों, तो नहाना भी ज़रूरी है, तो थोड़ा सा मतलब क्या होता है फ्रेश हो जाते हैं, वरना बिना नहाए ना सर भारी भारी सा हो जाता है मेरा वैसे भी। और ये जो मौसम है ना इस समय सबकी तबीयत ख़राब हो रही है, सब घर में ये कहानी है, और वीडियो पे कमेंट भी आ रहे थे कि हमें भी खांसी जुकाम हो रहा है, क्योंकि जाती भी सर्दी है और आती भी गर्मी का मौसम है, तो फिर ऐसा लग रहा है जैसे दिन में तो इतनी गर्मी है, तेज़ धूप है, मतलब धूप में रहा भी नहीं जा रहा, इतनी तेज़ धूप है, और फिर शाम को जो है ना ठंडा हो जाता है, फिर क्या होता है कि हम दिन में स्वेटर वगैरह नहीं पहनते, और फिर शाम को जो है ठंडा हो जाता है, तो इससे सर्दी एकदम लग जाती है।
तो चलिए दोस्तों फटाफट से ना आप दिन का लंच बना लेते हैं। और आज दिन के लंच में आपको पता ही है क्या बन रहा है, क्योंकि मैंने सगोड़े से पालक निकाला है तो साग बनाएंगे। तो दोस्तों हमारा दिन का लंच बन गया ना, बिल्कुल रेडी हो गया है और लंच करने का भी टाइम हो गया। दिन के ना लगभग 1 बज चुके हैं। तो ये देखिए गर्मा गर्म चावल, और मैंने चावल में ना हल्दी डाल दी है क्योंकि सर्दी खांसी हो रही है ना, तो चावल ठंडे नहीं होते फिर। और साथ में पालक का साग है, तो टेस्टी सा लंच अब कर लेते हैं। तो अभी दोस्तों टाइम हो गया है, शाम के 4 बज चुके हैं और दिन का लंच करने के बाद ना थोड़ी देर हम लोगों ने आराम किया। तो मम्मी लोग तो बाहर धूप में ही सोए हुए थे, लेकिन मैं तो अंदर रूम में सोई क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है धूप में। और आपको भी ना स्कूल से आ चुकी है तो धूप तो वैसे देखो अभी हमारी छत में ही है, तो जैसे जैसे गर्मियों का सीज़न आता जाएगा ना, तो वैसे वैसे धूप ना देर देर तक ना यहीं रहेगी छत में ही। और सर्दियों के दिनों में तो इतनी 4 बजे तक तो धूप नीचे चली जाती थी। तो अभी बना दी है गर्मा गर्म चाय, तो चाय पी लेते हैं। और मैं पी रही हूँ अक्कू के कप में, तो चलिए चाय पीते हैं। फिर उसके बाद ना अक्कू को ट्यूशन छोड़ने के लिए भी जाना है मुझे, और कल अक्कू को ट्यूशन भी नहीं भेजा क्योंकि मेरी ना इसी टाइम पे शाम के टाइम पे ना तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही थी मुझे, तो मैं लेट गई थी। फिर अक्कू का कल ना ट्यूशन भी मिस हो गया, तो अभी ट्यूशन भेजेंगे अक्कू को और चाय पी लेते हैं फटाफट से। हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो दोस्तों अभी ना मैं स्कूल से भी आ गई हूँ, और ना धूप अभी ना उस वाली छत में थी, उधर पहाड़ों में चली गई। और ना अब मैं ट्यूशन जा रही हूँ, मैं तैयार हो गई हूँ। और ना अंदर पे मेरा कप है, क्योंकि मैं चाय ना मेरी बंद हो रखी है थोड़े दिन के लिए। और जब ना ये जो डब्बा रख रखा है, और जब वो ख़त्म हो जाएगा ना, तब हम नया लाएंगे। क्योंकि जब मेरा पेट ठीक, मेरे डॉक्टर वो डॉक्टर ने कहा था ना कि जूस पीना है, इसलिए मैं जूस पीती हूँ। और जब मेरा पेट ठीक हो जाएगा तब तो मैं चाय पीऊँगी। और यहाँ पे गिर भी गया क्योंकि फूल भरा था ना, अब पता नहीं कब सूखेगा खिड़की का सूखेगा। ये है, फिर से चेक करती मैं, ये ऑरेंज का है, देखो ये ना ऑरेंज है, देखो ऑरेंज कलर है, ऑरेंज भी इसी कलर का होता है इसलिए ऑरेंज कलर है। अमरूद का लाना था पर ये मिला था, ये लगा है। दो थे, एक अतु ने भी पिया, मैंने भी पिया, तो वो ख़त्म हो गया जल्दी। पर ये होता है कि नहीं मुझे नहीं पता है। मैंने भी आधा पिया है। और ये ना पापा ना कहीं ले गए थे काम करने के लिए, यहाँ पे तो काम कर नहीं रहे थे, तो ये फिर से घर ला गए। और इसके नीचे गाड़ी रख रखी है दुगी रिपेयर, और साइड में बैग, और ये बोतल कंगी, ये पता नहीं पुराना फोन हमारा जिससे हमारा चैलेंज चला। और अपना पापा रात को ना यहाँ ना रात भर बैठ के काम करेंगे। पूरा पी दिया, चलो मम्मी को देख के आते हैं, क्योंकि ना मम्मी वहां पे चाय के बर्तन धो रही है। मैं साफ कर देती हूँ कहीं। मम्मी मम्मी के बगल में भैंस बकरी सिंबा लेटा, ये लो मैंने पी दिया। लो मैं नहीं आ सकती, वहाँ पे डर लगता है मुझे। तो दोस्तों अभी ना मम्मी मुझे ना ट्यूशन छोड़ रही है, और दोस्तों मैं आपको मिलूंगी ट्यूशन से आने के बाद। मम्मा मैं ना ट्यूशन से भी आ गई हूँ, और ना ट्यूशन से आने के बाद देखो मम्मा यहाँ पे पूजा कर रही है।
आपको पूरा दिखाऊंगी क्या क्या करते हैं मम्मा। तो दोस्तों अभी टाइम हो गया है, रात के ना लगभग 9 बज चुके हैं और हम लोगों का ना रात का खाना हो गया है। खाना खा के हम आ गए हैं ऊपर सोने के लिए। तो आज के व्लॉग में ना आपको आज से ज्यादा नहीं मिला। तो इधर आ रहे हैं आदमी के पापा नहा के, ये रात को नहा रहे 9 बजे। आदि आदि हेलो करो, हेलो करो, क्या बोल रहे हो आप? बोलो हेलो। ये सारा पाउडर गिरा दिया मेरे ऊपर, भी गिरा दिया मुंडा। तो चलिए दोस्तों, बच्चों को अब दूध वगैरह पिलाते हैं, उसके बाद हम भी सोते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, शुभ रात्रि।